देवघर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में राजकीय श्रावणी मेला 2022 को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में उपायुक्त ने श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु विभागवार किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा किया। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्य योजना तैयार करते हुए उपायुक्त कार्यालय को अवगत कराने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि राजकीय श्रावणी मेला में बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी या समस्याओं का सामना न करना पड़े, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं विभागों की बिंदुवार समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रद्धालुओं के लिए अपने अपने विभागों द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं को और भी बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करें, ताकि देवतुल्य श्रद्धालु बाबा नगरी से एक अच्छी अनुभूति लेकर अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। देवघर से गुड्डू झा की रिपोर्ट। क्योंकि दो साल सावन मेला नहीं था और साल हम लोग प्रशासनिक तरीके से जो प्राथमिक तैयारी जो होते हर एक विभाग अपने अपने एक्शन प्लान बनाए और अपने अपने विभाग को भेज रहे हैं और खासकर जो श्रद्धालु जो आएंगे कांवरिया पद में उन सभी लोग एक अच्छा अनुभव के साथ वापस लौटना चाहिए, पूरा सुरक्षित तरीके से जाए और इसी के लिए हम लोगों ने स्वच्छता के बारे में भी काफ़ी ध्यान दिया है कि पूरा शहर के जितने भी लोग हैं सभी लोगों को सेंसिटाइज करें कि स्वच्छता के बारे में और हर जहाँ पे भी टोटल रूट लाइन जो है वहाँ जितने भी काम करना है खासकर रोड का मरम्मतीकरण और जहाँ बिजली का व्यवस्था जो है उसको सुदृढ़ीकरण और जो शौचालय टेम्पररी हो वो परमानेंट और बहुत सारे सिक्योरिटी जो आती है फोर्स उनके लिए भी जो उनको तैयारी करना है और स्वास्थ्य विभाग को भी टेम्पररी उस समय जो हेल्थ कैंप्स बनेंगे और अलग अलग विभाग के सारे चीज़ हम लोगों ने विस्तार से डिस्कस किया है और फिर हम लोग महाशिवरात्रि के बाद इसमें तेजी पाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।